नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। मित्रों, धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंगमहल में शयन करते हैं। रंगमहल में आज भी माखन और मिश्री का प्रसाद रखा जाता है। यही श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है, जो अत्यंत ही रहस्यमयी है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर के पट अपने आप ही खुलते और बंद होते हैं। आइए आज हम इसी रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर हैं, उन्हीं में से ये एक बांके बिहारी जी का मंदिर भी है, जिसके दरवाजे रात अपने आप ही बंद हो जाते हैं और सुबह होते ही खुल जाते हैं। इस मंदिर के संबंध में इसके अलावा और भी कई चमत्कार जुड़े हुए हैं। हालांकि यह कितना सच है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि यह शोध का विषय है। इस पर बहुत सारे शोध हो भी चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। लोग मानते हैं कि वृंदावन में श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप ही खुलता है और बंद हो जाता है। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी लोग पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गादी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई अवश्य सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह भी कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता है वह प्रसाद को? मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते थे। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में पांच बहुत गहरे रहस्य। पहला है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंगमहल में राधा कृष्ण का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल को सजा दिया जाता है। तब राधा रज जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। दूसरा है, शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर उनकी रासलीला को देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। तीसरा है, कहते हैं कि यहाँ तुलसी के दो पौधे एक साथ लगे हैं, मतलब जो निधिवन है वहाँ जो तुलसी के पौधे लगे हुए हैं वो साथ में हैं, जोड़ा में हैं, अकेले अकेले नहीं हैं, वो जोड़ा में हैं और उनकी डालियाँ जो हैं ऊपर तरफ नहीं नीचे को गई हुई हैं सब। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता है, क्योंकि जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे के ओर ही बढ़ती हैं और एक दूसरे में गुथी हुई हैं। पांचवा आश्चर्य यहाँ का ये है कि यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं, और जिनके घरों में खिड़कियाँ हैं वे शाम की आरती के बाद खिड़कियाँ इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में नहीं देखे, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा या पागल हो जाएगा अथवा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।